क्या राजा ब्लॉग अभी पगला गया है क्या? माँ बहन को गाली दिया, उसके बाद अब कुछ व्यूवर्स को गाली दे रहा है, अब अपने पूरे देश और समाज को गाली देने लगा यार। वही राजा ब्लॉग जो दिन भर में एक वीडियो में ना 11 बार बोलता है हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसे बोलते रहता है। आई होप ऐसा करते हैं पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग हमारे जान हो प्राण हो सब कुछ हो, सपोर्ट करते हो आप लोग, तो क्यों ना हम आप लोगों के लिए परेशान हो। वही राजा ब्लॉग जिसने शादी करी तो शादी से ज़्यादा लग रहा था फिल्म की शूटिंग चल रही है उसकी। और ऐसा कहने का कारण मेरा ये है ना, क्योंकि वो जैसा अभी हरकतें कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले से उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसने अपने माँ बाप को पहले छोड़ा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, बहुत ज़्यादा बदनामी करी। बदनामी करने के बाद जब से उसने शादी करी है उसकी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी आप जो व्यूवर्स उसको देखते भी हो ना, वो उन्हें भी गाली दे रहा है, और इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। ये प्रूफ आप पहले वीडियो क्लिप देख लो एक। ऐसा कमिटमेंट आप लोग मत करना, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। एक दिन मर के जाना, अर्पित हम खुद लेटे रहेंगे, तुम भी नहीं आओगे। जो कमेंट कर रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो, तुम भी नहीं आओगे। गुरु कुछ क्रिएटर्स होते हैं जैसे कि नॉर्मली बहुत ही नीचे से बहुत ही अपर लेवल तक जब ग्रो करते हैं तो वो अपने ऑडियंस की कम से कम इज्जत करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसने सबसे पहले अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया, जब ये ग्रो हुआ उसके बाद अपने माँ बाप को छोड़ा इसने, उसके बाद अब इसने स्टार्ट क्या करा है, अपने व्यूवर्स को ही गाली दे रहा है। इसके सब्सक्राइबर्स लगभग 1.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लगभग 16 लाख, और ये किन्हें गाली दे रहा है? जो लोग इनको देखते हैं वो बोल रहा है कमेंट मत करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, व्यूज़ मत दाओ, मतलब व्यूज़ मत लाओ, कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल दो यार। लेकिन फ़र्क थोड़ी पड़ता है, व्यूवर्स है फिर देखेंगे। ऐसी ऐसी हरकतें ये राजा ब्लॉग कर रहा है। इसने सबसे पहले अपने माँ बाप को छोड़ा था कुछ दिनों पहले, ये कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इसने इतनी ज़्यादा घोर बेइज्जती करी अपने फैमिली की, अब ये अलग रह रहा है। चलो यार ठीक है, आप सब्सक्राइबर्स को इज्जत तो दो कम से कम, जो आप मतलब आप जिनसे हो, 1.62 मिलियन सब्सक्राइबर से आप ही हो, वो आपसे नहीं है, वो आपको देखने आते, आप उनको देखने नहीं जा रहे हो, तो आपको उन लोगों का थोड़ा सा इज्जत करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके व्यूअर्स है और उनकी बदौलत आप इस जगह पर पहुँचे हो। अभी हाल फिलहाल में जैसे ये चीज़ें कर रहा है ना, बहुत ही अलग और गलत कर रहा है। ठीक है आपने झगड़े करे हैं, आप फैमिली से कुछ मतभेद हुए हैं, आप उसको सोशल मीडिया पर लाओगे ही क्यों? आप जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उनको पर्सनली ख़त्म करो बातें करके, लेकिन आपने उसे सोशल मीडिया पर लाया, अपनी माँ की बेइज्जती करी, अपनी बहन की बेइज्जती करी, और आप जो गलती कर चुके हो उस गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, और अब हर वीडियो में रोना धोना बंद हो चुका है, अब सिर्फ देवी जी करते रहते हो आप। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने इससे भी बढ़कर एक चीज़ क्या बोली है पता है? जो इसने बोला है ना वो इसके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, और ये बात इसने ये बोला है कि ये जो समाज से आता है, ये जो धर्म से आता है, ये जो देश से आता है, ये सभी बहुत गलत है, बहुत ही गलत जगह है, ये है वो है। वो क्लिप पहले आप देख लो, उसके बाद डिसाइड करना क्या बात है। तो बता, ऐसे समाज से हम आते हैं कि वो बहुत गिरा हुआ नीचे स्तर का समाज है, वो बहुत लेवल नीचे गिरा हुआ है। वो समाज ऐसा है कि मैं आपको इशारे सारे बताऊंगा कि अगर घर में जवान बेटी भी है ना, तो अपनी बेटी को अपने से थोड़े से बड़े होते हैं ना, उनको दे देंगे पैसों के लिए सिर्फ। खुद मैं सारी क्लिप्स दिखाने के लायक नहीं है, इसने कुछ ऐसी बातें नहीं बोली, इतने पे नहीं रुका है वो जातियों पे, धर्म पे, देश पर, संविधान पे, बाबा भीमराव अम्बेडकर पर, हर किसी को मतलब बोलता गया है। यार आपकी मतभेद सिर्फ फैमिली से थी, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? आप अपने घर से देश तक पहुँच गए, पार्लियामेंट तक पहुँच गए, संविधान तक पहुँच गए, इतनी ज़्यादा मतलब आपको घमंड हो चुकी है। ये शायद घमंडी है मुझे तो लग रहा है इतना, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ बोलते बोलते कहीं और कुछ बोल रहे हो, और इस चीज़ का घमंड मुझे लगता है कि इसको जितने सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, जितने व्यूअर्स मिल चुके हैं, और जितने भी फॉलोअर्स इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया पेजेस पर इनको मिली है, इस चीज़ का इनको घमंड बहुत ज़्यादा हो चुका है। इन सारी बातों के बाद ना इसने एक और भी बहुत ही अजीब चीज़ बोली है, इसके पास लगभग करोड़ों की संपत्ति है। बाप रे बाप, करोड़ की संपत्ति और सोने चांदी के गहने, माँ कसम इतना ज़्यादा। अरे यार इतना क्यों फेंकते हो?
आप व्यूवर्स हो, अगर आप उसके रेगुलर व्यूवर्स हो, आपको देख के क्या लगता है कि उसके पास वन का मतलब करोड़ों की संपत्ति होगी? 1 करोड़ भी अगर माने ना, करोड़ों कुछ होते हैं, कुछ कहलाते हैं वो। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ ना कि ये 1 करोड़ आज तक यूट्यूब से नहीं कमाया होगा, जितना इसने फेंक दिया। और फेंकने का तो कुछ लगता नहीं है, बोलते जाओ, लपेटने वाले हमारे व्यूवर्स हैं तो 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आ ही जाएंगे। लोग सोच लेंगे, ओ बाबा 1 लाख 1 करोड़ की संपत्ति है इसके पास, ऐसी स्टोरी ये बना रहा है। क्लिप देखो आप। मेहनत 1 करोड़ की जायदाद संपत्ति हमारे पास, 1 करोड़ों की बाल्टी भर भर की सोना औजारे रखे हुए हैं घर में, आज तक मेरे माँ बाप ने उनको छूने तक नहीं दिया। इसे फेंकना ही था, थोड़ा सोच समझ के फेंक लेता, बोल देता 2-4 लाख की गहने वहने थे जो हमें नहीं मिले, हमें छूने नहीं दिए जाते हैं। इसको छूने कौन देगा यार, इसके जैसा हलकट होगा, उसको फैमिली के पास रहेगा भी ना, तो छूने ना ही दिया जाता अच्छा है। लेकिन ये बातें सच क्या है तो दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे इसके घर की सिचुएशन है वगैरह वगैरह, ये वैसा तो नहीं लगता कि इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। करोड़ों की संपत्ति रहती तो ये माँ बाप को छोड़ के आता, माँ बाप के पास सारे गहने हैं पैसे हैं तो ये छोड़ के क्यों आता? आप जवाब दो, आप व्यूअर्स हो, आप कुछ देखो समझो, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है और आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों पे कमेंट में बताओ यार। सिर्फ देखने से नहीं होता वीडियोस को, आपने किसी को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, आज उस चीज़ को एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है। मैं भी एक्सपोज कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स एक्सपोज कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दो और कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों में। क्या राजा ब्लॉग रोड पर आ गया है? उसका तो ऐसा कहना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। आप देखो वीडियो कि वो जहाँ पर खड़ा है, जहाँ से वीडियो बना रहा है अपनी देवी के साथ, वो उसका पीछे में लगता है जैसे कि कोठी महल जो बोला जाए, नॉर्मली बंगला, उतना आलीशान घर पीछे इंटीरियर दिख रहा है। बट ये बेचारा बोल रहा है कि ये रोड पे रहता है। अगर ये रोड पे रह रहा है तो हमारे जो गरीब लोग रहते हैं पूरे भारत देश में, अभी के टाइम में तो कम है, गरीबी कमी है, बट इतनी ज़्यादा जो महागरीबी में जो लोग रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं तब? अगर ये रोड पे रह रहा है तो वो लोग कहाँ रहते हैं? पाताल के नीचे रहते हैं क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा तो गड़बड़ है यार। रोड पे लेके इसको रह रहा हूँ मैं, रोड पे लेके रह रहा हूँ। दिल जलता है हमारा कि जिसके लिए हमने सेवा इतनी मेहनत करी हो जाए। और आखिरी बात सबसे गजब की ये इसने बोल रखी है कि इसकी फैमिली फेक थी, इसने पैसों से अपने फैमिली को खरीदा था, अपनी माँ को खरीदा था, अपने बाप को खरीदा था, अपनी बहन को खरीदा था। यार कितने लोगों को खरीद के रखा था भाई? तू 2-4 साल से जब से वीडियोस बना रहा है, या 8 साल जो भी जितने सालों से तू वीडियोस बना रहा है, तू क्या फैमिली खरीद रहा था यार? आप ये क्लिप देखो ना, ये क्या बोल रहा है? ये जो फैमिली आप देखते थे हमारे वीडियोस में, ये पैसे से खरीदे गए फैमिली थी, ये मेरे अपने नहीं थे, ये सब पैसे से। जब मेरा पहला पेमेंट 21,000 रुपए आया था, तब मैंने अपने फैमिली को देके उसको खरीद लिया। अब आपकी राय, आप व्यूअर्स हो हमारे, आपकी राय क्या है कि आप कमेंट करो अब कि आप क्या सोच रहे हो इस चीज के बारे में? आप राजा ब्लॉग्स को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? ये पहले कुछ खुद गलत करते हैं, उसके बाद जब सामने वाला गलत करता है तो उनको दिखाते हो कर्मों का फल, कर्मों का फल। यार जब आप कुछ गलत कर रहे हो ना और आपको अपनी चीज़ें गलत नहीं लग रही, तो सामने वाला कर रहा है गलत, तो उसके बाद आप उसको कर्मों का फल दिखवाने के लिए, गिनवाने के लिए, काउंट करवाने के लिए आप सही नहीं हो। सो अब आप अपने आप को व्यूवर्स, अब आप भी देखो कि आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जैसा हो, हम लोगों के, हम भारतीयों के एक अंदर बहुत ही गजब की चीज़ें हैं, हम क्रिएटर्स को भगवान बना देते हैं। आज उसे घमंड हो चुका है और इस चीज़ को वो ऐसे बता रहा है कि अब व्यूवर्स उसके लिए कुछ नहीं है। चलो आज की वीडियो में कुछ नहीं, इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी राय कुछ और रहेगी, कुछ कमेंट करोगे आप, तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा।